नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंदिर में हमले में गिरफ्तार अहमद मुर्तजा अब्बासी को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। आतंकियों के खास मॉड्यूल का हिस्सा था मुर्तजा, इस तरीके की खबरें भी सामने आई। खुद एटीएस की ओर से इस बात पर संदेह जाहिर किया गया था, लेकिन अब चूंकि लखनऊ एटीएस की गिरफ्त में मुर्तजा है और वहां एक के बाद एक बड़ा कबूलनामा उसकी ओर से सामने आ रहा है। और फिलहाल आपको बताते हैं, सबसे बड़ा कबूलनामा ये है कि दरअसल प्लानिंग करके ही गोरखपुर मंदिर पर हमला करना चाहता था, और कितना बड़ा मकसद था ये साफ तौर पर मुर्तजा की ओर से कबूल किया गया है। मुसलमानों के साथ देश में गलत हो रहा है। कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर भी उसके मन में जहर था, ये भी उसकी तरफ से कहा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, सीए और एनआरसी का जिक्र भी उसकी तरफ से किया गया, यानी तमाम बातों का जिक्र करते हुए उसने कहा कि देश में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। इस तरीके से उसके मन में ये कट्टरपंथ का वो शिकार हुआ और इस तरीके से हमला किया गया है। गुस्से में उसने ये सब कुछ किया है। सीए एनआरसी के गुस्से में उसने मंदिर पर हमला किया, ये बड़ी बात उसने मानी है। कर्नाटक हिजाब की घटना से भी मैं परेशान था, इसलिए ये हमला किया है। डिप्रेशन से मैं सो नहीं पा रहा था, ये तमाम बातें हैं जो उसकी तरफ से कही गई हैं। मुसलमानों के साथ जुर्म हो रहा है, ये सोच उसके मन में थी जिसके बाद उसने हमला किया है। यानी सर पर कफन बांध कर आया था, यानी मरना और मारना उसका मकसद था, ये साफ तौर पर उसके इस कबूलनामे में साफ उसने कर दिया है। हालांकि जिस तरीके से ये पूरा गोरखपुर मंदिर पर हमला किया गया, जिस तरीके से उसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं, पीएससी के दो जवान इस पूरे हमले में घायल हुए हैं, और चूंकि गोरखपुर मंदिर जिसके मठाधीश जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गोरखपुर मंदिर उनका आवास भी है, हालांकि उस वक्त वो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से गोरखपुर मंदिर को टारगेट बनाया गया वो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और इस पूरे मामले में फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच में जुटी हुई हैं, और इस पूरे हमले के बाद, इस पूरी घटना के बाद अहमद मुर्तजा अब्बासी की कुंडली लगातार खंगाली जा रही है, जिसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आए हैं कि किस तरीके से आईआईटी बॉम्बे का ये केमिकल इंजीनियरिंग का छात्र पढ़ाई इसने की है, लेकिन किस तरीके से ये कट्टरपंथ की राह पर चला गया और आखिर कौन इसे मोहरा बनाकर इसका इस्तेमाल कर रहा था, ये सवाल भी लगातार एटीएस के लिए बना हुआ है। लेकिन मुर्तजा की ओर से जो उसका लैपटॉप, जो उसका फोन जो पुलिस के हाथ लगा है, जो लखनऊ एटीएस ने बरामद किया है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से मुर्तजा जो है उसका कनेक्शन आईएस और साथ ही जाकिर नायक जैसे जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके साथ है। जाकिर नायक के वीडियोस जो हैं वो उसके लैपटॉप में मिले हैं, कि किस तरीके से वो भड़काऊ बयान सुनता था, किस तरीके से वो कहीं ना कहीं उसके मन में उन तमाम वीडियोस ने जहर खोला देश के लिए, और ख़ासतौर पर कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। इतना ही नहीं, सीरिया के वीडियोस वो देखता था, और भले ही ये सब कुछ दावा उसकी तरफ से किया गया हो कि प्लानिंग के तहत उसने गोरखपुर मंदिर पर हमला किया, उसके मन में चूंकि हिजाब विवाद से लेकर सीए और एनआरसी जैसे मुद्दे थे जो उसे सोने नहीं दे रहे थे, जो उसे डिप्रेस कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश एटीएस है इस पूरे मामले में वो इस बात को लेकर लगातार संदेह जाहिर कर रही है कि टेरर कनेक्शन इस पूरे मामले का है, क्योंकि एटीएस की पूछताछ में उसने जो बड़े खुलासे किए हैं उसमें सबसे बड़ा खुलासा ये है कि वो जिसे अपना गुरु मानता था, जिसकी वीडियोस वो देखता था, दरअसल वो है इमाम अलवर अल हलाकी। ये वो आतंकवादी है जो अलकायदा संगठन का सबसे खूंखार आतंकवादी था, हालांकि उसे मौत की नींद सुला दिया गया, लेकिन जिसकी वीडियोस देखकर वो प्रभावित हुआ है। नागरिकता यमन अमेरिकी, 2011 में इसे ओबामा सरकार ने ढेर कर दिया था। अलकायदा का सबसे खतरनाक आतंकी इसे कह सकते हैं, और उसके वीडियोस ये देखता था, तो किस तरीके से ये किन कट्टरपंथियों की वीडियोस देखकर उससे प्रभावित हुआ और इस पूरे हमले की
प्लानिंग रची थी, ये पूरी तमाम चीजें हैं जो इस पूरे मामले में लगातार जो यूपी एटीएस है छानबीन कर रही है, तमाम उनके बयान सामने आ रहे हैं, पूरी कुंडली जो है मुर्तजा अब्बासी की खंगाली जा रही है। हालांकि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी ऐसा सामने आया है जिसमें उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हुए हैं और बाकायदा नेपाल तक इसका कनेक्शन निकलकर सामने आया है। तमाम जगहों पर छापेमारी लगातार जारी है, पुलिस इसका पूरा कनेक्शन खंगाल रही है कि आखिर इसकी मानसिकता क्या थी। मानसिक रूप से खुद को बीमार बताने वाला मुर्तजा अब्बासी अब जब ये कबूलनामा कर रहा है तो जाहिर तौर पर संदेह लगातार बढ़ रहा है और इस पूरे मामले में लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो किसी भी तरीके से अहमद मुर्तजा अब्बासी को पकड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि जो मकसद था वो साफ था कि गोरखपुर मंदिर पर हमला करना है, लोगों का खून करना है, लोगों को मारना है, ये साफ तौर पर मकसद था। और इस पूरे हमले में दो पीएसी के जवान भी घायल हुए थे, उनसे मिलने के लिए बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, लेकिन गोरखपुर मंदिर को जिस तरीके से टारगेट किया गया उसके बाद राजनीति भी गर्माई हुई है। और इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो बयान सामने आया है वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मुर्तजा अब्बासी के जो पिता हैं वो ये कह रहे हैं कि मुर्तजा मानसिक रूप से बीमार है, तो ऐसे में उसका ये पहलू भी देखना चाहिए कि वो मानसिक रूप से बीमार है। आरोप बीजेपी पर ही मर दिया गया है कि बीजेपी इस पूरे मामले को खींच रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुर्तजा अब्बासी का खुलकर बचाव क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। हालांकि इसमें चौंकाने वाली बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब लखनऊ में पुलिस और आतंकियों के बीच जब ऑपरेशन चला था तो उस वक्त भी लखनऊ में उस वक्त दरअसल अखिलेश यादव ने लखनऊ पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए थे और यहां तक कि आतंकियों का साथ दिया था। तो ऐसे में इसमें कोई संदेह नहीं है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी वोट बैंक के लिए इस तरीके की राजनीति करती आई है, लेकिन फिलहाल अखिलेश का ये बयान अपने आप में प्रदेश और देश की जनता को ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से एक मुर्तजा अब्बासी नाम का शख्स जो गोरखपुर मंदिर पर हमला करने के मकसद से आता है, जो ये कबूल करता है कि उसका मकसद साफ था कि उसे हमला करना है क्योंकि उसके मन में जहर है, जहर किसने खोला है ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जो उसके लैपटॉप और मोबाइल से जो तमाम चीजें बरामद हुई हैं, जो वीडियोस मिले हैं, जिनकी वीडियोस वो देखता था, जो कट्टरपंथ का वो शिकार था, जिस तरीके से उसके मन में जहर खोला गया था, उसमें आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन और जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथियों की वीडियोस देखकर उसने ये पूरी प्लानिंग रची थी। और इस बीच अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उसके साथ बाइपोलर इश्यूज थे और मुझे लगता है कि वो पहलू भी देखना चाहिए। बीजेपी वो पार्टी है जो बात को ना जाने कितना खींच देती है। अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है जो कि अपने आप में अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं बेनकाब करने के लिए काफी है। हालांकि पूरा मामला जो है वो आपको बता दें रविवार देर रात का है, जब इस तरीके से अहमद मुर्तजा अब्बासी ने गोरखपुर मंदिर परिसर में एंट्री करने की कोशिश की, उसके पास कुछ हथियार भी थे, धारदार हथियार से उसने पीएससी के जवानों पर हमला भी किया, हालांकि उसे रोक लिया गया और सुरक्षा कर्मियों ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। हमले के बाद जो हथियार उसने इस्तेमाल किए थे वो जब्त कर लिए गए। और ये पूरा मामला गंभीर इसलिए भी है क्योंकि गोरखपुर मंदिर परिसर में मंदिर के मुखिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो आवास है। हालांकि हमले के वक्त वो मंदिर परिसर में मौजूद नहीं थे, लेकिन अपने आप में ये बेहद हैरान करने वाली घटना इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे मामले में टेरर एंगल लगातार सामने आ रहा है। मुर्तजा अगर मोहरा था तो उसे कट्टरपंथ की राह पर किसने धकेला, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर भारत में कौन जहर घोलने की कोशिश कर रहा है इन तमाम लोगों के माध्यम से, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बता दें मुर्तजा
अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद से तमाम तरीके से उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और लगातार तमाम जगहें जो हैं वो खंगाली जा रही हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी धरपकड़ जो है वो शुरू हो चुकी है और लखनऊ एटीएस से लेकर पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं। तमाम जिले जहां अलर्ट जारी किया गया है इस पूरी गिरफ्तारी के बाद, यानी पूरी तरीके से इस पूरे मामले को गंभीर लेते हुए फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एटीएस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।